तुम्हारा तो भरता बने हमारा। महान मधु 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 मेरे केक को बचा ले प्लीज। तेरे केक की क्या प्रॉब्लम है? अरे वो सो गया है, जब से मैंने उसे ओवन के अंदर डाल दिया तब से सो गया है। मगर ये क्या है? मेरा भरता महान। मधु मधु तेरा भरता नहीं, तू महान। सचमुच तू महान है। बस बस अब ज्यादा गुड़ मत लगा, वो तो चंपक को पसंद आता है भरता, इसलिए बनाना पड़ता है। भरता नहीं, भरते से तूने जो बनाया है वो महान है। कि परसों मैं आर्ट गैलरी में गई थी ना, तो वहाँ बिल्कुल ऐसी मूर्ति 5 लाख में बिक रही थी। 5 लाख में? मधु 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 जरा इसे गौर से देखो, देखो इसमें तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? भरता जो कुछ देर बाद चंपक के पेट में होगा। ऐसे नहीं लग रहा है जैसे एक बेबस बेचारा इंसान आसमान की तरफ हाथ उठाए रहम की भीख मांग रहा है। वैसे भी इसे बनाते वक्त तेरे दिमाग में क्या ख्याल था, यही केस में नींबू डालू या नहीं? सच कहती हूँ मधु मधु मधु, सवाल नींबू का नहीं है। नहीं, सवाल है तेरे फीलिंग्स का, इमोशंस का। मधु तेरे इस किचन एप्रन के अंदर एक महान कलाकार छुपा हुआ है। अच्छा, जो बाहर आने के लिए तड़प रहा है, उसे बाहर निकलने दे, उस कला की तूफान को आजाद कर दे मधु, आजाद कर दे। कंट्रोल कर ममता, कंट्रोल कर अपने आप को, मेरा दिमाग मत खराब कर। पहले मुझे प्रॉमिस कर, इस महान कलाकृति का भरता तू कभी नहीं बनाएगी। प्रॉमिस प्रॉमिस। अरे तू अपने आप से इतनी नाइंसाफी कैसे कर सकती है? तू क्या सारी जिंदगी इस किचन और ओवन में बिताएगी? ओवन मेरा केक, केक शायद उड़ गया हो, कहीं उड़कर सैर करने ना निकल जाए। मधु मेरा प्रॉमिस। मधु हाय डार्लिंग, तुम्हारा दिन कैसे गुजरा? सिर्फ 5 लाख का नुकसान हो गया। क्या कैसे? मैं चाय लाती हूँ। हम और कुछ खाने को भी लाना मधु, मुझे बहुत भूख लगी है। पता है चंपक, हाँ। आज मैंने अपने आप को डिस्कवर किया। अच्छा, एक नई मधु जो ना सिर्फ एक घरेलू पत्नी है बल्कि एक कलाकार भी है। वो तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ मधु, तुम्हारी कला का तो जवाब नहीं। अरे क्या खाना पकाती हो? अरे वो नहीं, पता है आज ममता आई थी, उसने मुझे एक नई राह दिखाई, एक नई मंजिल, एक नया मकसद। क्या हुआ मधु? मेरा आर्ट, तुम मेरी आर्ट खा गए, मेरी महान कलाकृति तुम। ये भरता तो खाने के लिए होता है मधु। ये भरता नहीं था तो? ये मेरी मूर्ति थी, मेरी कला थी। तुम मेरा 5 लाख खा गए चंपक, मेरी आर्ट खा गए, मेरा सब कुछ खा गए। I hate you. मधु डाली ये तुम्हें क्या हो गया है? मेरे अंदर का कलाकार जाग उठा है चंपक, अब चौका बर्तन खाना कपड़ा और घर का काम कोई उसे सुला नहीं सकता। कला की दुनिया एक नई मधु का इंतजार कर रही है। माइकल एंजेलो, पिकासो, एमएस हुसैन, मैं आ रही हूँ। मधु फिर मेरे लिए खाना कौन बनाएगा? एमएस हुसैन? यार बंटी अब मैं क्या करूं? अरे चंपू चंपू तू क्यों नहीं समझ रहा है? अरे होता है, औरतों को कभी कभी ऐसे दौरे पड़ते हैं। अरे नॉर्मल औरत को भी पड़ते हैं। अच्छा? कभी कढ़ाई बुनाई, कभी इंटीरियर डेकोरेशन और कभी आर्ट।
लेकिन मेरा तजुर्बा ये कहता है कि 3 दिन में औरत नॉर्मल हो जाती है और किचन में वापस लौट जाती है। तो फिक्र मत कर चंपू, तेरी बीवी से आज की दुनिया को कोई खतरा नहीं। अरे आज की दुनिया गई भाड़ में, अब मुझे इतना अच्छा भरता कौन बना के खिलाएगा बंटी? अरे तू तो कैसी बात कर रहा है चंपू, तूने भरता खाने के लिए शादी की है? नहीं, शादी तो प्यार था इसलिए की थी, लेकिन इसमें भरते का भी बहुत बड़ा हाथ था बंटी। होता है चंपू, होता है। अब मुझे देख, मुझे अपनी बीवी के हाथ की जली भुनी रोटियां खाने की ऐसी आदत पड़ गई है कि अब जब कभी मैं बाहर होटल में भी जाता हूँ ना, तो जली हुई रोटियां खाए बगैर मेरा पेट नहीं भरता। अरे मैं रसोइयों को टिप देकर जली हुई रोटियां बनवाता हूँ। धीरज रख चंपू, धीरज रख, 4-5 रोज मेरे घर खाना खा, तुझे भी जली हुई रोटियां खाने की आदत ना पड़ जाए तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। अरे तेरे मुंह में जली रोटियां बनती, घी शक्कर बनती चंपू। मधु, ये आटे का तुम क्या बना रही हो? ये भूख है। ये रोटियां नहीं बन सकती? ये भूख है, रोटी नहीं। सोचो मधु, सोचो, इस आटे में कम से कम 10-12 रोटियां और 5-6 पराठे छिपे हुए हैं। ये इंसान के अंदर की भूख है, है? जिसे तुम खा नहीं सकते। तो गार्डन ऑफ ईडन को खा रहे हो ये? हाँ। खबरदार, वो सोई हुई औरत है, स्लीपिंग ब्यूटी। लेकिन ये तो खड़ी है। तो सुला दो उसे। चंपक, तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हें समय की मीनार नजर नहीं आ रही है? ये समय की मीनार है मधु? हाँ, रख दो उसे। इससे पहले कि तुम इसे कद्दू समझकर इसे भूखी निगाहों से देखो, मैं तुम्हें बता दूं, ये कद्दू नहीं है, ब्रह्मांड है। मुझे बहुत भूख लगी है मधु। नहीं चंपक, मुझे पता है तुम इसे केला समझकर खा जाओ। अरे केले ही तो है ये। नहीं, ये तीसरा महायुद्ध है। मुझे बहुत भूख लगी है मधु। हाय मधु। हाय ममता, कैसे चल रही है तुम्हारी कला की सेवा? परसों एग्जीबिशन है, याद है ना? याद है, तभी तो इतनी जोर शोर से तैयारियां चल रही है। लेकिन कुछ लोगों को भूख और रोटी के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। चल। हाँ। ये क्या कर रहा है चंपू? जली हुई रोटियां ऐसे ही तोड़ खाना खा चंपू, बीवियां ऐसी होती है, इसलिए तो हम जैसे गधे सहरा बांधकर घोड़े पर चढ़ते हैं। बंटी यार, भूख से मैं मरा जा रहा था यार। डोंट वरी, खाना खा, तुझे जब भी भूख लगे यहाँ जली हुई रोटियां खाने आ जाएगा। हाँ, यहाँ स्टॉक में हमेशा रहती है। तुम्हें क्या लग रहा है? ये भी शुरू हो गई? बताओ ना बंटी, क्या लग रहा है? ए चंपू, तुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है, तू ही बता ना ये क्या लग रहा है। अरे क्या लग रहा है क्या, टमाटर है और क्या है। मधु होती तो पता नहीं इसमें क्या देख लेती। बंटी यहाँ आओ ना। नारंगी से कुछ ज्यादा, मौसम से कुछ कम, टमाटर जैसा लग रहा है। टमाटर? नहीं जी, मधुपति तो जैसे कोई लड़की किसी लड़के को अपना पहला प्रेम पत्र दे रही है और वो शर्म से लाल हो रही है। Yes, yes, you're right, darling. लड़की, लड़की है। क्या इस लड़की को बाल नहीं है ना, इसलिए मैं जरा धोखा खा गया। वरना है तो ये लड़की, 40 रुपए किलो है तो क्या हुआ, ये लड़की ही है। बिल्कुल तुम्हारी तरह शर्माती हुई है ना मधु।
चंपू, मेरे घर में भी एक आर्टिस्ट पैदा हो गया, अब मेरी जली हुई रोटियां भी गई। क्या मुझे सच में उस टमाटर में लड़की दिखाई दे रही थी? अरे काहे की लड़की, तो वो टमाटर को लड़की समझती है तो समझे। वैसे टमाटर टमाटर होता है और लड़कियां लड़कियां होती है। अरे यही तो प्रॉब्लम है ना यार, काश लड़कियां टमाटर होती तो कितना अच्छा होता। नहीं कम से कम बहस तो नहीं करती। दिस इज लाइफ चंपू, दिस इज लाइफ। टमाटर के साथ हम शादी नहीं कर सकते और लड़कियों को हम चुप नहीं रख सकते। तो अब हम क्या करें बंटी? क्या करें क्या? यस चंपू, एक रास्ता है चंपू। क्या? हम किसी आर्ट क्रिटिक को बुलाते हैं। आर्ट क्रिटिक? लेकिन उससे क्या होगा? अरे चंपू, तू भी जानता है और मैं भी जानता हूँ कि एक सच्चा आर्ट क्रिटिक मधु की कला को कला मानने के लिए कभी राजी नहीं होगा। हाँ? और अगर ऐसा होगा तो मधु के सर पर जो आर्ट का बुखार चढ़ा है ना, वो नीचे उतर जाएगा और उसके भीतर का कलाकार जो उसका किचन एप्रन फाड़कर बाहर निकलने के लिए तड़प रहा है, वो वापस अंदर चला जाएगा और तेरे लिए भरता बनाने लगेगा। तू सच कह रहा है? जली हुई रोटी की कसम। चल रोटियां खाते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है मधु। क्या खाक अच्छी बात है? अगर आर्ट क्रिटिक ने इस बात से इनकार कर लिया कि मेरे अंदर प्रतिभा है तो मैं क्या करूंगी? मगर वो क्यों इनकार करेगा? तेरे अंदर तो प्रतिभा है, वो तो सिर्फ तुझे ही दिखाई पड़ रही है ममता। अगर उसे नहीं दिखाई पड़ी तो उसे भी दिखाई पड़ जाएगी यार। मगर कैसे? वो तो मुझ पर छोड़ दे। कैसे छोड़ दूं? कल ही तो वो आ रहा है। कल? हाँ। नो प्रॉब्लम। एक आर्ट डायरेक्टर फिल्मों में प्रॉपर्टी सप्लाई करता है, उसके यहाँ से। रियली ग्रेट। उसे जल्दी से रख दे, वो कभी भी आ सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। कहाँ रख दूँ? इधर पे रख दे, यहाँ पे लाइट पड़ी अच्छी है। ममता, मधु, आई एम सॉरी। अब क्या होगा? मेरे कलाकार का क्या होगा? 5 मिनट बाकी है उनके आने में। अब इतने जल्दी दूसरा मोड़ तो नहीं बन सकता ना? नहीं। फिर? फिर क्या? एक आइडिया है। आइए। मधु, ये है मशहूर आर्ट क्रिटिक मिस्टर करमरकर। नमस्ते सर। और ये मेरी पत्नी मधु। जी। पत्नी नहीं मिस्टर दीक्षित। जी। पत्नी से लगता है जैसे कि कुछ सामान। जैसे कि मेरी कुर्सी, मेरा घर, मेरी टाई। ठीक वैसे ही मेरी पत्नी। ये पत्नी नहीं है जी, एक व्यक्ति है, कलाकार है। क्यों मधु जी? जी थैंक यू। वाह, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। थैंक यू सर। एटम बॉम्ब, वेरी टेस्टी, गुड, वंडरफुल। तीसरा महायुद्ध, लाशों का ढेर। जी, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ब्यूटीफुल। सर सीढ़ी। आई नो इट। इन्हें अपनी आर्ट के बारे में नहीं बताओगे? जिस आर्ट के बारे में बताना पड़े मिस्टर दीक्षित, वो आर्ट नहीं होती। मैं खुद भी देख सकता हूं उसे। Good. Very good. ये क्या? Garden of Eden. Wonder. Wonder. Oh, my God.
ये आपकी मूर्ति इसने अभी अभी अपनी आंखें चमकाई थी। सभी को यही वहम होता है, दरअसल ये हकीकत के इतना करीब है कि ऐसा लगता है कि पानी दूसरा पानी दूसरा पानी दीक्षित, आपकी इस मूर्ति के गाल क्यों फूले हुए? नॉर्मल है। एक बात बताइए, अभी अभी आपकी इस मूर्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, अब इसके चेहरे पर ये परेशानी के भाव क्यों? इसीलिए तो मैंने अपनी इस कलाकृति का नाम रखा है जिंदगी। कभी हंसना कभी रोना, इसी का तो नाम है जिंदगी। इनक्रेडिबल। मिस्टर दीक्षित जी, आपने एक कलाकार को किचन में कैद कर रखा है और इस तरीके से आपने कला की दुनिया के साथ I'm sorry सर, मैं तो सिर्फ भरता खाना चाहता था। ये इतनी डरी हुई क्यों है मिसेस दीक्षित? ये तो हर एक इंसान के अंदर का डर है मिस्टर करमरकर, जो वो इस मूर्ति के चेहरे पर देख लेता है। कमाल है मिसेस दीक्षित, मैंने आज तक ऐसी मूर्ति नहीं देखी जो कि देखने वाले के भाव के साथ साथ अपने भाव बदले। थैंक यू सर। आप अच्छे आदमी नहीं है। आप आज तक कहाँ थी मिसेस दीक्षित? आप दुनिया की महान कलाकार हैं। मैं इस मूर्ति को खरीदना चाहता हूँ, मैं इस मूर्ति को दुनिया के सामने एग्जिबिट करना चाहता हूँ। अरे सर, सर ये कोई मूर्ति मूर्ति नहीं है, मिट्टी की मूंडी है सर। वैसे भी मैं इसे बेचना नहीं चाहती। लेकिन मिसेस दीक्षित, ये मूर्ति वहां से यहाँ कैसे चली आई मिसेस दीक्षित? ये मेरी नजरों का धोखा है या ये आपकी कला की कोई बहुत बड़ी सी चीज है? वो क्या है कि जिंदगी में कोई भी चीज एक जगह पर स्थिर नहीं होती, बदलती रहती है, इसीलिए तो इसका नाम है जिंदगी। वेरी 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 डीप। मैं इस मूर्ति को खरीदना चाहता हूँ मिसेस दीक्षित। चंपू 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 ममता घर में नहीं है। अरे कहीं आसपास गई होगी यार। नहीं कहीं नहीं है, मैं सब जगह देख रहा हूँ, कहीं नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है चंपू, बहुत डर लग रहा है। यार बंटी, इसमें डरने की क्या बात है, जहाँ गई होगी आ जाएगी। नहीं आएगी चंपू, वो कभी नहीं आएगी। वो जरूर आएगी। ममता वो जरूर आएगी। मधु। लेकिन हुआ क्या बंटी? हाँ यार क्या हुआ? आठ चंपू आठ, उसने भी मधु की उसने भी मधु की तरह सब्जियों में आठ ढूंढना शुरू कर दिया। अरे चंपू, उसने इतना बड़ा बैंगन उठाकर मुझे पूछा कि बताओ बंटी ये क्या है, तो मैंने ऐसे ही कह दिया कि ये फांसी पर लटका हुआ चूहा है। बस इतनी सी बात, वो नाराज होकर चली गई। फांसी पे लटका हुआ चूहा नहीं था। अरे बैंगन चूहा कैसे हो सकता है? मधु सन्नाटा, उसके हिसाब से वो दो निराश प्रेमियों के बीच में लटका हुआ सन्नाटा था। वेरी डीप। उसने मुझे कहा कि मैंने उसकी आर्ट का अपमान किया है, इसलिए अब उसे जीने का कोई हक नहीं है। चंपू मुझे बहुत डर लग रहा है कि उसने खुदकुशी तो नहीं कर ली होगी। ममता ममता मधु यार, लेकिन आखिर तुमने पुलिस को खबर कर दिया? हाँ खबर कर दिया, लेकिन पुलिस क्या कर लेगी? मैं हूँ इंस्पेक्टर चौधरी, आप में से बंटी साइकिल कौन है? मैं हूँ वो अभागा, मैं हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही आपको फोन किया था। तो क्या ममता जी आपकी पत्नी थी? थी। देखा चंपू, इंस्पेक्टर साहब भी मानते हैं कि मेरी बीवी अब इस दुनिया में नहीं है। बंटी हिम्मत रख, तुम्हारी ममता वापस आ जाएगी। हाँ जरूर आएगी। ममता ममता मधु। उसके पहले कि हम अपनी तहकीकात शुरू करें, आप हमें ये बताइए कि आपकी पत्नी का हुलिया कैसा था? देखा चंपू, मेरी पत्नी का हुलिया पूछ रहे। इंटरव्यू मिस्टर दीक्षित, आपकी कलाकृति की आंखों में आंसू। ये तो इंसानियत के आंसू है मिस्टर करमरकर। मिल गई मेरी पत्नी की पहचान, मिल गई। इंस्पेक्टर साहब, मेरी ममता की स्वरूप बिल्कुल ये मूर्ति से मिलती जुलती है। आप एक महान कलाकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्लीज कीप डिस्टेंस, प्लीज। इस मूर्ति को हमें कब्जे में लेनी पड़ेगी।
ताकि मिसिस ममता सहगल का पता लगाने में आसानी हो। मैं इसे विदेश लेकर जाऊं। नहीं नहीं, मैं इसे बेचना नहीं चाहती। मैं इसके 5 लाख दे सकता हूँ आपको। 5 लाख? सोल। थैंक यू। नहीं चंपक, मैं अपना आर्ट नहीं बेचूंगी। देखिए देखिए, मैं इसके 10 लाख दे सकता हूँ। 10 लाख? सोल सर, लेकिन ये मेरे लिए अनमोल है। इस मूर्ति की जरूरत मेरी बीवी से मिलती है। ये बंटी यार, ये एक महान कलाकृति है। अरे दुनिया को इसकी जरूरत है बंटी, ये कला की धरोहर है। नहीं, ये मूर्ति एक सबूत है और तब तक ये पुलिस कस्टडी में रहेगी जब तक मिसेज ममता सहगल का पता नहीं चल जाता। ये कलाकृति गायब कहाँ होगी मिसेज दीक्षित? You are under arrest. क्यों? आप में से किसी ने यह सबूत को गायब किया है। चलिए चलिए मधु जी मेरे साथ। मैं? हाँ आप। ये ऊपर कैसे आ गए? जिंदगी के उतार चढ़ाव है मिस्टर करमरकर। मिसेस दीक्षित, मैं इसके 20 लाख दे सकता हूँ। सर आप ले जाइए, ले जाइए। नहीं बेचूंगी, नहीं बेचूंगी, नहीं बेचूंगी। प्लीज प्लीज, ये मेरा ताजमहल है, ये मेरा सबूत है, ये मेरा कुतुब मीनार है। बंटी, बंटी, इधर। देख बंटी, हम सब जानते हैं कि तू ममता से कितना प्यार करता है, लेकिन ये मूर्ति तू मिस्टर करमरकर को ले जाने दे, 20 लाख में से आधा तुम्हारा। लेकिन चंपू मेरी मम्मू। अरे यार बंटी, 10 लाख, 10 लाख। लेकिन मेरी मम्मू। अबे 10 लाख में एक क्या, तीन तीन मम्मू मिलेगी बंटी। 10 लाख, तीन तीन मम्मू मिलेगी। देखिए सर, इंसान को कई बार जिंदगी में अपने सीने पर पत्थर रखना पड़ता है, लेकिन अगर उस पत्थर की वैल्यू 10 लाख रुपए है तो पत्थर रखने में बहुत आसानी हो जाती है। सोल्ड, उठाइए। थैंक यू वेरी मच। लेकिन किसी ने ममता के बारे में सोचा है? मैंने सोचा है, ममता मेरे दिल में रहेगी और 10 लाख रुपए तुम्हारे बैंक में। ममता, ममता, बंटी, ममता, ममता।